देवरी कला के ईश्वरपुर गांव में 14 एकड़ पट्टे की भूमि रंगीन बहुमूल्य पत्थर उगल रही है। इन पत्थरों को खोजने के लिए सुबह से शाम तक पूरा गांव जुटा रहता है। पत्थर नुमा गुड़ियों से प्रत्येक व्यक्ति रोजाना 2 से 10 हजार रुपए तक कमा रहा है। रतन सिंह ठाकुर ने खेत में पिछले कुछ महीनों से ऐसे ही रंग बिरंगे आकर्षक चमकीले किस्म के बहुमूल्य पत्थर मिल रहे हैं। अधिकांश लोग मेहनत मजदूरी छोड़कर खेत में गैंती फावड़ा लेकर सुबह से शाम तक गुड़िया तलाशने में जुटे रहते हैं। इसके बाद बाहर के व्यापारी गांव आकर महंगे दामों में गुड़िया खरीद लेते हैं। स्वर्णकार सौरभ सोनी ने बताया कि ये पत्थर एक तरह का हकीक जैसा पत्थर है, जिसकी बारीकी से जांच के बाद ही इसकी कीमत का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं एसडीएम ने तहसीलदार को गांव भेजकर पत्थरों की जांच कराने की बात कही है, जिससे इन पत्थरों की असली कीमत का पता लगाया जा सके। अच्छा, ये आप यहाँ आए हो, किस लिए आए थे आप? हम तो यहाँ खुदाई चल रही है, किस लिए चल रही है खुदाई? गुड़िया मिल रहा है यहाँ? अच्छा, जी मतलब का नाम आपको? कहाँ से आई हो? तो जी का खोद रही हूँ आप, मिले आपको? ये कितने कितने के बिक जाते हैं? अच्छा, अब नहीं मिले। हाँ हाँ, तो का होते इन गुरियों को? अब बिकता ही है और का होते। हाँ हाँ, कितने को बिक जाते? 100 रुपया। 100 रुपया को? हमारा डीलर से। आप ये जो का खोद रहे जी, क्या है ये? गुरिया। अच्छा, तो इनका क्या करोगे? बेच देते हैं, कन्या कर ले आई वाली से। कितने के बिक जाते जी? 100 रुपये जी। मुझे जानकारी में आया है मीडिया बंधु के माध्यम से और ग्रामीणों के माध्यम से, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ईश्वरपुर और मड़खेरा गांव में ज़मीन से कुछ मोतीनुमा वस्तुएं निकल रही। इस संबंध में तहसीलदार और संबंधित मेरे अमले को मैंने भेजा था। ग्रामीणों से बात करके भी तहसीलदार आए हैं। इन सभी की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात, ये तथ्य कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराए हैं। साथ ही मैंने जो माइनिंग विभाग है, साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अधिकारी गण हैं, उनको भी इस तथ्य से अवगत कराए हैं। उन्होंने समय भी दिया है, कल या परसों में उनकी टीम आएगी, जांच करेगी और फिर जो भी यदि उनको लगता है कि आर्कियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसमें फिर वो आगे उस नियमानुसार।